السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शेख आप कर सकते हैं عليكم ورهنطلع ورهنطلع. Uh, عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أبكي أواز أريه أنا مجد ميري. ماري. جيش بسم الله كي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا محترم ديني भाइयों اور قابل अलरबाउनविया इमाम अवी की मंतखब चालीस हदीसें हैं इसके तहत हमारा ये दुरुस का सिलसिला जारी है और पिछले हफ़्ते में हमने हदीस नंबर तेईस से शुरुआत की थी और ये एक अजीम शान हदीस है जो अहले इल्म के नज़दीक जवाब जवाम उलिब में से है ऐसी हदीस में से जो बहुत ही जामे हैं जिनमें बहुत ही कम अल्फाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने दीन की बहुत ही अहम तरीन बातें बयान की हैं इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी मैं मुनासिब समझता हूँ कि हदीस का अदा कर दूँ ताकि जो लोग पिछले हफ्ते नहीं थे उन्हें मालूम हो कि हम किस हदीस का मताल कर रहे हैं अबो मालिक रदी अल्लाह तवायत है फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल असलम ने फरमायाब तोमान فاكي آدها إيمان والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله يي كلمة ميزان کو بھر وسبحان الله والحمد لله تَمْلَأَ أو تم ما بين السماوات والأرض اور سبحان الله والحمد لله يي دونو كلمات يي كلمة مكمل मीज़ान यानी आसमान और जमीन के दरमियान की जगह को भर देते हैं व सला नूर और नमाज नूर है व सदका तो बुरहान और सदका दलील है बुरहान है वह सब्र दिया और सब्र रोशनी है वर्न खुजतुल्लखलिक और क़ुरआन या तो तेरे हक में हजत है दलील है या फिर तेरे खिलाफ दलील है कुल नसीदू सारे लोग सुबह सवेरे कोशिश के लिए निकलते हैं फा या हो तो अपने आप को बेच देते हैं फमाौती को हा और को फिर या तो अपने आप को बेचते हैं तो अपने को आज़ाद करा लेते हैं या फिर अपने आप को हलाकत में डाल देते हैं इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है और ये एक अजीम शान हदीस है इस हदीस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और हम आकर रुक गए थे सब्र के जिक्र पर जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया सब्र रोशनी है इस ताल्लुक़ से इब्ने रजब रही फरमाते हैं वह महमूद अनवा वो सब्र जो अल्लाह के नज़दीक या दीन इस्लाम में पसंदीदा है महमूद है वो कई किस्म का है और तीन किस्में उन्होंने यहाँ बयान की है और आम तौर से अहले इन इन्हीं तीन किस्मों को बयान करते हैं सब्र की तीन किस्में हैं कहते हैं पहली किस्म है अल्लाह ताला की पर अल्लाह की बरदारी पर जमे रहना क्योंकि सब्र के माना अरबी जुबान के अतबार से रोके रखने के अपने आप को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी बरदारी पर रोके रखना तायत पर रोके रखना अमिन और दूसरी किस्म इसकी है अल्लाह रब्बुल रबालमीन की नाफरमानी से अपने को रोके रखना यानी ऐसा काम करने से अपने आप को रोके रखना जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी है अमिन अकदारियाज वजल और तीसरी कस्म है वो सब्र जिसमें अल्लाह रब्लम की तकदीर पर सबर किया जाता है तायत पर रोके रखना मासीत से रोके रखना और अल्लाह रबुलामीन की तरफ से जो भी तकलीफ़ें परेशानियां मुसीबतें हादसा की शक्ल में या किसी भी शक्ल में आती हैं तो इन तकलीफ़ों पर अपने आप को शिकायत से और अल्लाह रबालमीन की नाशक् से रोके रखना तो ये सब्र है और ये सब्र महमूद है इसी सबर पर अल्लाह की तरफ से वादे हैं इबन रे हैं वह अब हुआ नूरवीन अहते हैं रोशनी को कहते हैं जिसमें सिर्फ नूर नहीं होता है ये वो नूर है जिसमें एक एतबार से हरारत और तपिश होती है एक एतबार से अहराक होता है उसमें एक आँच और एक जलन और एक तकलीफ होती है गर्माहट उसमें होती है कविया इस शमसी बिखिला फिलकमर जैसे सूरज की रोशनी होती है चांद की भी रोशनी होती है यानी रिफ्लेक्शन जो भी होता है हमारे एतबार से तो मुशाहे के चांद का जो नूर होता है उसमें एक किस्म की ठंडक है लेकिन सूरज का जो नूर है उसमें एक किस्म की हरारत और गर्मी है तो ये जो दो किस्म की आ, के नूर हैं तो इन दोनों का तस्करा इस हदीस में मौजूद है इसीलिए आप देखेंगे वह सला तो नूर है नमाज नूर है उसमें एक ठंडक है उसमें एक सुकून है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आयनी तो सलाह मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है तो आप देखिए वहाँ पर यानी आँखों की ठंडक करार दिया जा रहा है और हदीस में क्या है वह सला नूर नमाज नूर है वो नूर है वो सुकून वाला ठंडक वाला नूर है लेकिन रो सब्र में ऐसा मामला नहीं है सब्र में क्या है नफ्स को बहुत तकलीफ होती है अपने आप को कंट्रोल करने में इसमें इसमें इंसान को अपने ऊपर गालिब आना पड़ता है चाहे वत के मामले में हो या चाहे मासीत के मामले में हो चाहे तकदीर पर रदा के एतबार से हो तो वहाँ अपने आप को रोक के रखना ये बड़ा मुश्किल होता है तो इसमें बहुत हरारत होती है तकलीफ होती है तो यहाँ पर सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी के अतबार से बताया गया है कुरान में भी आप देखेंगे कि दोनों में अल्लाह ने फर्क किया है क्या फरमाया वह नूरा ये की पांच है अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही तो है जिसने सूरज को विया रोशन बनाया, रोशनी देने वाला बनाया वा नूरा और चांद को नूर बनाया तो चांद के लिए नूर का लफ्ज है लेकिन सूरज के लिए विया का लफ्ज़ है दोनों की रोशनी में फ़र्क कुरान करी में अल्लाह तला ने बतलाया है तो इसी एतबार से नमाज हो या इसी तरह से आ, आ, रोजा हो दोनों के नूर में फर्क है फरमाते जबकि जैसे इस वजह से कि नफ्स पर बड़ा भारी होता है मुश्किल होता है यह ताजो इलामजाह वहसी कफी हुआ हो कान का चूंकि रोज़ा या इसी तरह से सब्र ये इंसान के लिए नफ्स पर बड़ा भारी होता है तो इसके लिए नफ्स से बड़ा मुजाहदा करना पड़ता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है उसको रोक के रखना पड़ता है उन चीज़ों से जो नफ्स चाहता है जिसकी ख्वाहिश करता है कहते हैं इसीलिए इसको गिया कहा गया क्योंकि इसमें हरारत है एक रेजिस्टेंस उसमें होता है उसमें एक मुखालफत होती है उसमें एक किस्म की यानी तकलीफ होती है इंसान को तो ये एक ऐसी रोशनी है जिसमें इंसान के लिए बड़ा मुजाहदा है तो जाम में रजब ने बात कही है लेकिन आ, न, सवा यानी रोजे का जो मामला है इस बारे में फरमाते हैं कि इसके माना क्या है कि सब्र दिया है, सब रोशनी कैसे कहते हैं माना हो ला على الصواب कहते हैं कि सब्र की आ, सब्र का फायदा यह है के सब्र करने वाला हमेशा अपने सब्र के जरिए से रोशनी पाता रहता है और सही पर चलता रहता है बाकी रहता है आप देखिए रोशनी अगर ना हो इंसान के पास अंधेरे में रास्ता भटक जाएगा इंसान के पास अगर रोशनी ना हो और अंधेरे में उसको अपना सफर तय करना हो तो ऐसे वक्त में जब रोशनी उसके पास होती है तो गढ़े में गिरने से बच जाता है इसी तरह से जब इंसान बेसब्री में फैसले करता है तो इस बेसब्री की वजह से नुकसान के गढ़े में गिर जाता है लेकिन सब्र आप देखिए गाड़ी जब चलाते हैं जितना दूर तक अगर लाइट जाती है एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं आदमी पहले ही रुक जाता है क्यों इसलिए कि दूर तक वो देख रहा है इसी तरह से जब इंसान में सब्र होता है तो उसकी बसीरत में कुत पैदा हो जाती वो अवाकब को अंजाम को देख कदम उठाता है लेकिन जब सब्र नहीं होता इंसान के पास तो वो अंजाम की परवाह नहीं करता है, बल्कि हालात में मौजूदा जज्बात के तहत फैसले करता है इस एबार से सब्र एक रोशनी है जो एक इंसान को नतज पर गौर करके कदम उठाने चाहे कौल के से हो या अमल के एतबार से हो उस पर आमादा करती है ये कैसी रोशनी है तो इंसान का सफर जो है हमेशा सवाब पर होता है रास्ता नहीं भटकता है अलमोन अलामरक्की ने बात कही है बल्कि आप देखेंगे कि सब्र क़्यादत के सबर, लिए ज़रूरी है जैसे मैंने बताया कि आदमी जब गाड़ी चला रहा है तो उसको आगे तक देखना जरूरी है या कदम रखने के लिए उसको रोशनी जरूरी है वरना गड़े में चला जाएगा खाई में चला जाएगा इसी तरह से कौम की क़्यादत करने वाला सब्र वाला होना चाहिए बेसब्रा नहीं होना चाहिए जज्बाती आदमी नहीं होना चाहिए सोच समझ के कदम उठाने वाला होना चाहिए अनजाम को सामने रख वो कल वमल का अहतमाम करने वाला होना चाहिए और इसी इसीलिए अल्लाह ताला ने इमामत को मौकूफ़ रखा है दो चीज़ों पर ये खुद खुदान इतना बड़ा है कि मुस्तकिल एक दर्स का मुतकाजी है लेकिन मैं अख्तिस से बता रहा हूँ क्योंकि ये वनवान है और हमारे लिए ये गोया कि एक तजन का दर्स है इस सिलसिला तो ये भी जरूरी है कहा कि अल्लाह तला फरमाता है वजायना अल्लाह फरमाता है हमने बनी इसराइल में अम्बिया और इसी तरह से अमां हमने उनमें इमाम बना है हमने बनी इसराइल में इमाम खड़े किए अम्मन इमाम उसको कहते हैं जो लोगों से आगे हो लोगों की क्यादत करता हो वजायल नाम अबी अमरीना ये इमाम ये खुदवा लोगों के लिए क्या करते थे अल्लाह के हमारे हुक्म के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते थे नंबर एक अल्लाह के के मुताबिक रहनुमाई करना ख्वाहिश की बजाय शरा के मुताबिक रहनुमाई करना नंबर दो अल्लाह ने कहा लम्बा सबरू ये मकाम उनको कब मिला जब उन्होंने सब्र किया जब उन्होंने सब्र किया जब अल्लाह के हुक्म पर जमे नफसानी ख्वाहिशात से रुकने में अपने आप को रोक के रखा हक पर और आने वाली तकलीफें दावत के मैदान में हों या इसी तरह से कौम की क्यादत में हो उन्होंने अपने आप को बेसब्री से मायूसी से और दीन के की खिदमत को छोड़ने से अपने आप को रोके रखा जमे रहे वो लोग लम्मा सबर लेकिन इस सब्र का मदार किस चीज़ पर था अल्लाह ने फरमा व का नूबी आया ना ये वो लोग थे जो हमारी आयतों पर कामिल यकीन रखते थे इसीलिए सजदा इस अच्छा की आयत है आयत नंबर तेईस चौबीस में समझता हूँ अब रहमत फरमाते हैं बेहिमा तुनाल मतुफी सब्र और यकीन वह दो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर जिनके जरिए एक इंसान में लोगों का कायद बनने की इस तदाद या हैसियत पाता है इसतक उसको होता है यानी एक आदमी लोगों का रहनमां बने लीडर बने किस बुनियाद पर तय होगा कि वो लायक है दो चीजें उसमें होना चाहिए एक उसमें उसकी उसको अल्लाह की बात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कामिल यकीन होना चाहिए यही वो यकीन है आखरत की कामयाबी का आखरत में अजर का अल्लाह की नुसरत का ये सारा यकीन ही इंसान को सब्र करने पर आमादा करता है फिर जब वो सब्र करता है इस यकीन के नतीजे में और फिर अल्लाह के दीन पर जम जाता है ख्वाहिश की बजाय जहल की बजाय और जज्बात की बजाय अल्लाह की शरीयत के ताबे हो जाता है उसी बुनियाद पर ख़ुद भी चलता है दूसरों की भी रहनुमाई करता है तब जाकर वो इसका मुस्तक होता है कि वो लोगों का कायद और रहनुमा बन सके इसको याद रखिए तो मजमूल फतह में इबी रमतल ने फरमाया कि फ़बर वलयीन बिहा तुनामद्दीन तो ये सब्र के बारे में हमने जाना कि सब्र एक रोशनी है कितने फैसले इंसान ज़िंदगी में करता है जज्बात में बाद में पछताता है और कितने लोग हैं जो सब्र करते हैं और सोच समझ के कदम उठाते हैं जज्बात में नहीं कामयाब होते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं कि मैंने जज्बात में कदम नहीं उठाया तो ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है मुसीबतें आती हैं परेशानियां आती हैं चाहे समाजी अतबार से हो खानदानी एतबार से हो माशी एतबार से हो सियासी एतबार से हो आदमी जज्बात में या तो गुस्सा हो जाता है या तो मायूस हो जाता है अगर ऐसा वो ना हो और सब्र करे अल्लाह से राजी रहे बर से ऊंचा दर्जा है राजी होना सब्र में बस रुकना है अपने आप को कंट्रोल करना है लेकिन रदा में अल्लाह के फैसलों पर राजी होना है जब आदमी राजी रहता है अल्लाह ताला से और सबर करता है तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला सही सूझबूझ देता है और सही फैसलों की सलाहियत देता है बहुत अहम चीज है बल्कि फरिश्ते आखिरत में जन्नत वालों को क्या कहेंगे जजा अम्बिमा सबर ये सारा जो बदला जन्नत वाला है ये तुम्हारे सब्र का बदला है गोया के दीन पूरा का पूरा तमाम तर सब्र है दीन का, आप कहें, एक लफ्ज में बताओ क्या दिन उस चीज पर जमना जो अल्लाह को पसंद है तो यह है। अगला टुकड़ा क्या कुरानुज कुर तो तेरे हक में हुजत है या तेरे खिलाफ हुई या तो वो तेरे फेवर में है या तेरे अगेंस्ट है या वो तेरे काम आएगा या तो तेरी बर्बादी का जरिया बनेगा आखरत में तुझको पकड़वा देगा आखरत में तुझको मुजरिम साबित करेगा या तो कुरान की बुनियाद पर तू कामयाब होगा या कुरान छोड़ने की बुनियाद पर नाकाम होगा तो ये ये भी टुकड़ा बहुत अहम है अल्लाह अल्लाबीन फरमाता माँ शिफा रम यह कुरान नाजिल करते हैं यहाँ मेन तबईज़ के लिए नहीं है हाँ तंजील के अतबार से होता है लेकिन शिफा के अतबार से नहीं हम थोड़ा थोड़ा करके इस कुरान को नाजिल करते हैं इस कुरान के हिस्सों को नाजिल करते हैं जो तमाम तर शिफा है जो तमाम तर शिफा है और मोमिन के लिए रहमत है ठीक लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया वाला लेकिन ये कुरान जालिमों की खसार ही में इजाफा करता है ईमान वाले कुरान जैसे जैसे कुरान की बातें उनके पास आती हैं उसकी तस्दीक करते हैं तामील करते हैं तामील करते हैं और इस तरह से ईमान में बढ़ते जाते हैं और खैर में बढ़ते जाते हैं कामयाबी की राह पे गामजन हो जाते हैं लेकिन इसके बिलमकबिलफिर और शक करने वाले कुरान की बातें सुनते हैं शक में और इजाफा होता है काफिर हैं इनकार में और बढ़ जाते हैं और खसारे में और ज्यादा बढ़ जाते हैं जैसे अच्छी जमीन पर जब बारिश होती है तो फसल उगती है वो जमीन हरी भरी हो जाती है उसमें से फल फूल निकलते हैं लेकिन नज़ासत की जगह पर जब बारिश होती है तो एक जगह की गंदगी और ज्यादा फैल जाती है तो बाज़ात इंसान के अंदर खुद गंदगी होती है और कुरान की बातें उसके सामने आती हैं तो छुपी हुई गंदगी बाहर आती और फैल जाती है वो अलाजीदी तो मालूम कि कुरान से फ़ायदा भी होता है और बदतर लोग जो होते हैं जिनके अंदर ही गंदगी होती है उनकी बुराई की वजह से उन नुकसान में पड़ जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल अल कुरान शाफी कुरान सिफारशी है ऐसा जिसकी सिफारिश कबूल की जाती है शाफी उन व मुशफा व माहिल मुसद्दक मुसद्दक और माहिल है शिकायत करने वाला शिकायत करने वाला बादशाह के पास मुमाहिलुन मुसद्दक ऐसा शिकायती जिसकी शिकायत की तस्दीक होती इनकार नहीं होता कुरान की दोनों हैसीयतें हैं एक तो ये कि वो सिफारिश करेगा जो कुरान का हक अदा करेगा और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी या फिर कि वो बादशाह के पास ऊपर शिकायत करेगा और उसकी शिकायत की तस्दीक की जाएगी इनकार नहीं किया जाएगा इस एतबार से हदीस में क्या है कुरान या तो तेरे हक में हुजत है या तेरे खिलाफ हुजत है और आप फरमाते हैं मन जामाम इमाम जो कुरान को अपना इमाम बनाता है इसके पीछे चलता है, इसकी करता है, उसे जन्नत तक ले जाता है क़ियादत में चलता है वो जन्नत तक पहुंचता है और वह मंजा अलहु खल्फा सा और जो कुरान को अपने पीछे कर दे पीठ पीछे डाल दे कुरान की तलीमत को पसे पुष्ट डाल दे तो फिर कुरान उसको जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाता है सांक हाँ के ले जाता है तो आप देखिए कुरान या तो जन्नती बनाता है इंसान को तो जहन्नमे या तो उसकी सिफारिश करता है या शिकायत जिसकी शिकायत वो करे वो कामयाब कैसे हो सकता है तो जो इंसान कुरान पर ईमान लाए उसे सीखे पढ़े उस पर अमल करे उसकी दावत दे उसके हलाल को हलाल जाने हराम को हराम और उसके अहकाम की तामील करे दा के साथ में है तो ऐसा आदमी कामयाब है लेकिन जो उसको उस पर ईमान न लाए या फिर उस पर उस पर यकीन न करें शक करें या फिर उस पर उसकी तामील न करें या उसके हकूक़ को अदा न करें ऐसा इंसान क़यामत के दिन कुरआन उसकी शिकायत करेगा और वो कामयाब नहीं होगा नाकाम होगा चलिए आगे बढ़ते हैं कुल्लाउमू आप फरमाते हैं आगे का टुकड़ा है हर इंसान सुबह सवेरे निकलना कोशिश करना के माना में है। यह कि हर इंसान सुबह सवेरे निकलता है खेती बाड़ी हो या इस तरह की तिजारत हो या कोई और काम हो दुकान हो या नौकरी हो हर आदमी सुबह सवेरे मेहनत के लिए निकलता है क्या करता है फा एवं अपने आप को बेचता है इंसान की कोशिशें उसके वजूद का हिस्सा हैं वो अपनी कोशिशों को फरोग करता है देता है स्पेंड करता है वो अपने आप को खर्च करता है अपने आप को बेचता है तो अपने आप को अल्लाह को बेच के आज़ाद करा लेता है इंसान की आज़ादी अल्लाह के गुलाम बनने में है यानी अल्लाह के आगे अपने आप को गुलाम बनाकर पेश कर दे अल्लाह की गुलामी अपना ले अल्लाह तू मेरा रब मैं तेरा बंदा मेरी जिंदगी में तेरा हुक्म चलेगा जो तू कहे तो फाउसू अपने आप को बेचता है अल्लाह को तो फिर क्या कर लेता है फमोती कोहा उसको आजाद करा लेता है अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना के नफ्स की गुलामी से आजाद करा लेता है जहन्नम से आजाद करा लेता है या फिर अहा या फिर बेचता है अल्लाह को नहीं शैतान को नफ्स को और अपने आप को बर्बाद कर देता है तबाह कर देता है ये शैतान की गुलामी जहन्नम में ले जाएगी तो आदमी के लिए इंतजाम है या तो अल्लाह को अपने आप अपने वजूद को फरोख कर दे और उसके बदले जन्नत ले ले जैसे अल्लाह ताला, अल्ला ताला ने खरीद लिया है ईमान वालों से उनके वजूद को यानी उनकी जानों को और उनके अमवाल को उनके मालों को उनकी मिल्कियत को उनकी प्रॉपर्टी को क्या है बेहूम जन्न इसलिए कि उसके बदले में उनके लिए जन्नत है अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जान और मालों को खरीद लिया है और बदले में उनके लिए जन्नत है तो जो आदमी अपने आप को अल्लाह को बेच देता है अपने वजूद को और अपनी मिल्कियत को उसके बदले में अल्लाह रब्लमी की रवा और आखिरत की जजा उसको मिलती है लेकिन अगर वो शैतान को बेच दे अपने आप को तो फिर शैतान जहरनम में जाने वाला है इसको भी साथ में ले जाएगा तो ये ये हदीस बताती है इस व तोबा की याद नंबर एक है इस हदीस से बात मालूम होती है कि आदमी बेचता है अपने आप को या तो अल्लाह को बेचेगा या फिर नफ्स और शैतान को उसकी हलाकत इसी में है कि वो शैतान का, का गुलाम बन जाए और अपने आप को शैतान को बेच दे इबन हजर अल तमी कहते हैं माना हो कुल्सान साबिन माना यह है कि हर इंसान अपने वजूद से कोशिश करता है फमिन ही फिर उनमें से कोई है जो अपने वजूद को अल्लाह को फरोख करके अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा लेता है उसकी तायत करके उसकी फरमा बरदारी करके और उनमें से वमिनयी और हाली शयतल बितबाहि और उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जो शैतान और नफ्स की इतबा करके अपने आप को अपने वजूद को अपनी जात को शैतान और नफ्स को बेच देते हैं और अपने आप को हलाक कर लेते हैं अलफुलमुबीन बेषर अरबाइन इसमें उन्होंने बात कही है तो ये हदीस मुकम्मल हुई इस हदीस में क्या बातें हैं इस हदीस अगर इस हदीस को हम लोग यानी अमल के लिए बुनियाद बना लें तो बहुत 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 बड़ी बात है क्या इस हदीस में देखिए एक तो अपने आप को शिर से पाक करें फिर इबादत के लिए तहारत का अहतमाम करें नजासत से आलूदगी से अपने आप को पाक करना वो का अहतमाम इसका एहतमाम करे पाकिजगी पाकिजा रहे पाक रहे वाहिर बातिन नंबर दो अल्लाह के विक्र का एहतमाम करे अयूब का इंतसाब अल्लाह की तरफ ना करे हम अल्लाह की करे खूबियां अल्लाह तला की उनका एतराब भी करे वहार करे उसका फिर इसी तरह से नमाज का अहमाम करें जो तमाम इबादत की असल है जो तमाम इबादत की जात की असलाह का ज़रिया है इंसान की असलाह का जरिया है और फिर सदकात करे अपने माल में से लोगों पर खर्च करें अल्लाह की मर्जियात में खर्च करें फिर जो मुसीबतें दुनिया में आएंगी कहीं से भी आए उस परब्र करें अल्लाह के दिन पर जमा रहे कुरान की तिलावत का अहमाम करें और उसके हकूक़ अदा करें उसकी पैरवी करें फहम और मल और दावत के जरिए से और अपने आप को जिंदगी भर अल्लाह का गुलाम बना के रखे और ये समझता रहे इसका इस्ते रखे मैं आज़ाद नहीं हूँ मैं ग़ुलाम अल्लाह का और अपने वजगूद को अल्लाह और बुलालमीन को बेच दे शैतान और नफ्स को नहीं ये शॉर्ट फार्मूला है ये मुख्तर फार्मूला है कामयाबी का अगर इन चीज़ों का अहतमाम करे तो बकिया जिंदगी में इसके अनुाराहिर होंगे ये असल है तो ये आप सोचें कितनी जाम हदीस है कितनी प्यारी हदीस है अल्लाह तर अमल की तौफिक अदा फरमाए अब हम आगे बढ़ते हैं हदीस नंबर चौबीस इसलिए कि हमको किताब मुकम्मल भी करना है बहुत ज्यादा तफसील में अगर हम जाएंगे बात बहुत लंबी होगी आगे जो हदीस आने वाली एक बहुत अजीम शान हदीस है ये पिछली हदीस की तरह ही है और ये बहुत ही बड़ी हदीस है इसके अजा को समझना भी जरूरी है सरसरी मुता वो कैफियात पैदा नहीं करेगा जो होनी चाहिए लिहाजा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस हदीस में हदीस नंबर चौबीस अल्लाह की आजमत और इंसान की मोहताजी इस हदीस का खुलासा क्या है इसमें क्या हमको बताया गया है इसमें अल्लाह की आज़मत है अल्लाह रबालमीन की आज़मत का बयान है और दूसरे इसमें इंसान की मोहताजी का बयान है इंसान मोहताज है और अल्लाह रब्लम कादिर है हर चीज पर और सब कुछ उसके पास है इंसान फ़किर मोहताज है और इंसान आजिज़ है तो ये जो हदीस है इसी बात को बतलाती है आइए देखते हैं हदीस के अल्फाज क्या हैदी अबूदर रदी अल्लाह तम से रिवायत है अन नबी सी मरुई रबल वो नबी सल से रिवायत करते हैं और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिवायत की है ऐसे हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है हदीस कुदसी वो है जो कुरान का मत ना हो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह अल्लाह ने कहा है जिसमें अल्लाह की बात हो लेकिन वो कुरान में ना हो और हदीस कुदी जो है इसकी तिलावत कुरान में नहीं की नमाज़ में नहीं की जाती है लेकिन कुरान की तिलावत की जाती है ये फ़र्क है दोनों में कुरान में और हदीसी खुदी में और कुरान के हर हर्फ पर एक हरफ पर दस नेकियों का वादा है हदीसी कुदसी के बारे में ऐसा कोई वादा नहीं अगरचे उसका पढ़ना भी सवाब है लेकिन ये कैद और ये सवाब की तयन उस पर नहीं है हदीसी कुदसी सही भी हो सकती है जयीफ भी लेकिन कुरान सही और नहीं होता है तो ये फ़र्क है जो ने जिक्र किए और भी फ़र्क यानी जिक्र किए इस सिलसिले में लेकिन ये याद रखना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिवायत करते हैं अनुकाल के अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला जब बंदों से मुखातिब के कुछ कहे तो बहुत अजीम बात होती है सारी बातें अल्लाह की तरफ से हैं लेकिन जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाए के अल्लाह ताला ने तुमसे बात कही है तो और भी ज़्यादा ध्यान से उसको सुनना चाहिए हर हदीस को ध्यान से सुनना चाहिए लेकिन इन अदीस में बहुत बड़ी बात होती है जिसमें खिताब बंदों से होता है अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी ए बंदो ए मेरे बंदो या इबादी इन्नी حرمت الظلم على نفسي मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर रखा है जुल्म मैंने अपने ऊपर हराम कर दिया है हराम के माना मना के होते हैं मैंने अपने आप को जुल्म से यानी जुल्म मैं नहीं करूंगा तो मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया है वजअल्तुहू बैनकुम मुहर्रमन फला तजालमू और इस जुल्म को तुम्हारे आपस में दरमियान में माबैन तुम्हारे दरमियान भी इस जुल्म को हराम कर दिया है कि तुम एक दूसरे पर जुल्म नहीं करोगे लिहाजा एक दूसरे पर कभी जुल्म ना करना नंबर एक जुल्म की हरमच दो इस हदीस में कुल नौ बातें हैं आप उसको यानी तकसीम और भी ज्यादा कर सकते हैं कोई दस कहेगा कोई ग्यारह कहेगा लेकिन कुल मिला के नौ हिस्सों में उसको तकसीम किया जा सकता है तो ये पहली बात है की नंबर दो या इबादी इल्ला मन अहदिकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब राह हिदायत से महरूम हो हिदायत से महरूम हो भटके हुए हो हिदायत से महरूम हो बाल गुमराह कहते हैं उसको लेकिन वाल के कई माना होते हैं जो आगे हम देखेंगे या इबादी कुल्लुकुम बाल तुम सब के सब हिदायत से महरूम हो सिवाय उस शख्स की जिसे मैं हिदायत मुझसे हिदायत मांगो अहदिकुम, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा हिदायत मांगो मैं तुमको हिदायत दूंगा बंदो तुम में से हर शख्स भूखा है सिवाय उसके जिसे मैं मन इलामन सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं फस्तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें दूंगा मैं तुम्हें खिलाऊंगा चार या इबादी आरिन इल्ला मन का ऐ मेरे बंदो तुम इससे हर शख्स लिबास से महरूम है आरी है और यान है और सिवाय उसके इलामन का सौतुहू जिसे मैं ढांपू जिसे मैं लिबास अता करूं फस्त अकसूनी मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास अता करूंगा पांच या इबादी को, या इबादी ए मेरे बंदो तुम तुम्हें हर आदमी रात दिन गलतियां करता है गुनाह करता है वह अन अग फिर जमी अन और मैं मैं तो वो हूं जो गुनाहों को सब का सब माफ कर देता हूं मैं वो हूं जो सारे गुनाहों को माफ कर देता है फर्ज अगर अग फिरुम तुम मुझसे मगफिरत मांगो मैं तुम्हे मग, तुम्हारी मफफरत करूंगा तुम मुझसे मफफरत तलब करो मुझसे इस्तफार करो मैं तुम्हारी मफफरत करूँगा इन नन तब लोगो दर्री फता मेरे बंदो तुम कभी इस मकाम को नहीं पहुंच सकते कि मुझे नुकसान पहुंचाओ, तुम कभी इस मकाम को नहीं पहुंच सकते लन तब लोगों दर रही कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की पोजिशन में आओ और फिर मुझे नुकसान पहुंचा दो इस तदाद हो जाए फिर वो कर भी गुजरो कभी ऐसा नहीं हो सकता है वलन तब लोग और कभी ऐसा नहीं हो सकता है तुम कभी इस पोजीशन में कभी इस मकाम को नहीं पहुंच सकते मरतबे को नहीं पहुँच सकते कि तुम मुझे फायदा पहुंचाने वाले बन जाओ और मुझे मेरा फायदा करने लगो तुम कभी ऐसे नहीं हो सकते या इबादी लोक व इन सा कुम मेरे बंदो तुम्हारे तुम्हारा पहले से लेके आखिरी तक इंसान भी और जिन्नात भी पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान पहले जिन से लेके आखिरी जिन तक जितने क्यामत तक पैदा होने वाली सब का नला भी रजुलआमिन तुम इसे सबसे मुतकी शख्स के दिल की तरह नेक बन जाओ तो अल्लाह फरमाता है माँ ज्यादा काफी मुल्की शैन मेरी बादशाहत में से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी ज्यादती नहीं होगी मेरी बादशाहत में कि मैं बढ़ जाऊंगा तुम्हारी वजह से मेरी हुकूमत बढ़ जाएगी बादशाहत बड़ी हो जाएगी मानने वाले नहीं होंगे तो नहीं होगा और मानने वाले होंगे तो होगा ऐसा नहीं है तुम्हें तो सबसे नेक इंसान के दिल की तरह हो जाए तब भी मेरी बादशाह में कोई इजाफा नहीं होगा यह आइबादी

मेरी बादशाह में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कोच भी कम नहीं होता नहीं भी माने तो कुछ नहीं होता है तो ये छठा जुमला हुआ जिसमें अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है सात या इबादी लो अन्ना साथ आखिर इन सा कुम्ना कुमे मेरे बंदो तुम्हारा पहले से लेके आखिरी तक और इंसान भी और जिन्ना भी कामो फी सही दिन एक मैदान में जमा हो जाए फस अलूरी और मुझसे मांगो मुझसे मांगने लगे मुझसे सवाल करें मुझसे तलब करें फी तो इंसान इन मिन हूँ मस अलत और मैं इनमें से हर हर इंसान को उसकी मांगी हुई हर चीज अता करने लगूं माँ ना का सदाली का इल्ला इंदी इला कमायन कसुल मेखिया तो इलदा दखल बहर मेरे पास जो कुछ है नमतें जो कुछ मेरे पास है उसमें से इतना भी कम नहीं होगा जितना समंदर में सुई डुबोने से समंदर में कमी होती है यह भी समझाने के लिए कहा भी कमी नहीं होती अल्लाह के पास समंदर में से तो भी मान लीजिए कुछ कम होगा अल्लाह के पास तो उतना भी कम नहीं होता है क्योंकि अल्लाह फिर तखलीक पर कादिर है समंदर वापस से तखलीक पर कादिर नहीं है इदादा खल अलबह तो समंदर में सुई डुबोने से जितनी कमी होती है

नौ फल अहमदिल्ला तो जो दुनिया में या आखरत में कोई खैर पाए उसे चाहिए कि वह अल्लाह की हमद करे वो अल्लाह की हमद करे वमन वजदाली का नफ़सा, और जो खैर की बजाय कुछ और पाए यानी शर जिसको दुनिया में या आकर आकर में उस पर शर आए मुसीबत आए परेशानी आए अजाब आए फला यलूमन्ना अफसा वो किसी और को नहीं वो अपने आप को मलामत करे वो अपने आप को दोष दे किसी और को दोष ना दे वो अपने आप को मलामत करे इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है बहुत प्यारी हदीस सही है और वाकई दिल अल्लाह की अजमत से भर जाता है और मालूम होता है कि हमारी औकात क्या है हम क्या हैं कुछ भी नहीं हम लोग एक नंबर के फ़ीर पैदायशी फ़कीर पैदायश मोहताज अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं चाहे दुनिया का मालदार से मालदार इंसान हो चाहे दुनिया का कवि से कवि इंसान हो तो, चाहे वो सारी सलाहतों का मालिक हो सलाहतों से नहीं मिलता है अल्लाह के देने से मिलता है इसको आदमी याद रखे ये हदीस इंसान को याद दिलाती है तो क्या है कुछ भी नहीं है तू तो, तो कुछ भी नहीं है अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं इस हदीस की शान क्या है इस हदीस की आजमत का मामला क्या है सईद अबन अब्दुल अजीज सईद अबन अब्दुल अजीज कहते हैं का ना अबू अदरीसा

यानी उनके नजदीक अल्लाह और उसके रसूल की बात की बड़ी अजमत थी और बाज अदी की अजमत की वजह से तो वो एकदम और भी ज्यादा अदब के साथ उस हदीस को बयान करते वो बिल्कुल यानी घुटनों के बल बैठ कर तैयात में अदब के साथ इस हदीस को बयान करते थे इमाम अहमद इबन हम्बल फरमाते हैं अशरफ उदीफ इन शाम अहल शाम ने जो हदीसें रिवायत की हैं पूरे शाम वालों ने जो भी हदीसें बयान की हैं उन सब में सबसे ज्यादा अशरफ व अफजल सबसे ज्यादा शर्फ वाली हदीस ये है इतनी बड़ी हदीस है अजमत वाली हदीस है आइए इसके जुमलों को समझने की कोशिश करते हैं नंबर एक पह, पहली बात क्या है अब एक एक बात करके उसको हम समझते हैं या इबादी इन हरम तो जुलम अला नफसी है मेरे बंदू मैंने म को अपने ऊपर हराम कर रखा है यानी बंदू को अल्लाह तला इस बात का इतमान दिला रहा है मैं म नहीं करूँगा न दुनिया में तकलीफ़ के अतबार से शरा न दुनिया में तकलीफ़ के अतबार से कदरी मैं जुल्म नहीं करता हूँ न कि किसी को उसी बात का मुक़लब बनाया जाएगा जो उसकी इस में है और अल्लाह रबुलमी दुनिया में किसी इंसान पर अगर मुसीबत डालता है तो अल्लाह ताली उसको ज़ाय नहीं करता है बल्कि अल्लाह ताला उसके बदले में उसको अजरता फरमाता है अगर वो अल्लाह की खातिर सब्र करे तो कोई जुल्म अल्लाह की तरफ से नहीं है इसी तरह से अल्लाह ताला तला करीम में फरमाता है नेकियों के बारे में और गुनाहों के बारे में अंजाम के, में के से आखरत में फलाफ वन वगम और जो शख्स नक आमाल करता है और वह बशरते के वो मोमिन भी हो फला खाफमा वो तो ना जुल्म से डरे और ना वह हदम से डरें इस ताल्लुक से कहते हैं जो आदमी तायात का माल करें, करें के ऐसा नहीं होगा कि उस पर जुल्म हो जाए कि उसने गुनाह नहीं किए तो अल्लाह ने अपनी तरफ से उस पर गुनाह डाल दिए तो ये भी जुल्म है कि आदमी ने कोई गुना किया नहीं और उसके नाम अमाल में आ जाए और कि उसने नेकियां की थी लेकिन खैर मैंने नेकियां की थी तो गायब हो गई तो अल्लाह ताला ना किसी की की हुई नेकियों को बर्बाद करेगा ना अल्लाह ताला किसी के गुना नहीं थे वो उस पर डाल देगा वाकई वो नेकियां हकदार थीं जजा की और अल्लाह जाय कर दे नहीं होगा हाँ रियाकारी से करेगा तो जाए होगा एहसान करके जताएगा तो जाए होगा लेकिन नेकियां वाकई सही नेकियां थी वो ज़्यादा नहीं होंगी और गुना नहीं किए थे जबरदस्ती उस पर नहीं डाले जाएंगे तो ये जो है ये अल्लाह की तरफ से वादा है कि ये ये अल्लाह की तरफ से नहीं होगा जैसे कोई आदमी है उसने भलाई की और उसका आज उसको ना मिले नहीं होगा और उसने गुना नहीं किया था जबरदस्ती मुजरिम बन जाए तो ऐसा भी नहीं होगा अल्लाह ताला ये नहीं करेगा इब्ने अब्बास से भी इसी तरह की तफसीर आई है वजह हदीस का अगला हिस्सा क्या है एक बात ये कि अल्लाह नहीं करता है ला अल्लाह तर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है बेफिक्र रहो अल्लाह नहीं करेगा न नेकियों के मामले में न गुनाहों के मामले में वजायल तो बई नमन फलामो इतना ही नहीं कि जुल्म। ताला की शान नहीं के अल्लाह े और अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर भी जुल्म को हराम कर रखा है बल्कि अल्लाह ताला ने मुतलक सारी मखलूक पर म को हराम किया है इंसान जो मुकलफ है जुल्म नहीं जिन्ना जुलम नहीं मत करो अल्लाह ने हराम किया है तुम में तुम्हारे दरमियान जुल्म को, को अल्लाह तला ने हराम कर दिया है फला फलामो देखो आपस में एक दूसरे पर म मत करना जुल्म की तीन किस्में इसको याद रखें एक जुल्म है खालिक के बाब में और दो जुल्म हैं मखलूक के बारे में खालिक के बारे में जुल्म क्या है शिरक मखलूक के बारे में जुल्म क्या है वो दो किस्में हैं एक अपने पर जुल्म, एक दूसरा दूसरे पर जुल्म अपने पर जुल्म क्या है अल्लाह की नाफरमानी करना ये अपने ऊपर जुल्म है क्यों ये अपने आप को अल्लाह के अजाब का अकदार बनाता है जबकि जन्त का मौका उसके पास है जबकि नमत और रहमत का मौका है गुनाह करके आदमी अल्लाह के अल्ला अजाब का हकदार बनाता है तो अपने खिलाफ ये कार्रवाई करता है अपने ऊपर जुल्म है तीसरा दूसरों पर जुल्म के उनका हक उनको न दें या उनका हक जाय कर दें या उनकी चीज छीन ले चाहे वो माल हो चाहे वो जान हो चाहे वो इज्जत हो इसमें ऐसा तसरफ करे जो ना हक हो किसी का माल जाय कर दिया किसी की जान तल ले ली या उसको जख्म पहुंचा दिया या किसी की इज्जत आवरू पर हमला किया ये है। तो पहला जुल्म क्या है शिरक है शिरक है अल्लाह का इबादत अल्ला है दूसरा अपने ऊपर है गुना और अबाना इसीलिए आदमी सलाम ने दुआ की अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया तो आदमी जब अल्लाह का हुक्म तोड़ता है तो अपने ऊपर जुल्म करता है और तीन आपस में एक दूसरे पर जुल्म करना

उस पर अंधेरी छाई भी होगी काली और अंधेरी ये जुल्म का नतीजा अंजाम है इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया और बुखारी में भी आ, दूसरा टुकड़ा उसका है इन नुलमा तो यमल क्या तो जुल्म मत करो अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम करार दिया मालूम है कि दीन में अदल कितना जरूरी है हमारा दीन अदल वाला है जुल्म वाला नहीं है किसी पर उसकी जान के मामले में उसके माल के मामले में या उसकी इज्जत के मामले में जुल्म करना सख्त सख्त गुना है दूसरा टुकड़ा क्या है अब यहां पर चार बातें अल्लाह ने बयान की है दूसरे हिस्से में चार चीजों को आप देखेंगे क्या उसमें हिदायत खाना पीना और इसी तरह से लिबास और चौथे मकफिरत ये चार चीजें अल्लाह ताला अता करता है आइए उनको भी देखते हैं या इबादी दालुन इला मन मेरे बंदो तुम इसे हर एक हिदायत से महरूम है सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूँ यहाँ गुमराह कहना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा इस एतबार से कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है तो गुमराह नहीं होता है वो लेकिन उसके पास रहनुमाई अल्लाह की तरफ से नहीं होती कि क्या हलाल क्या हराम इबादत कैसे करें सारी तफासिल नहीं होती बस उसकी फितरत होती है जो हक को कबूल करेगी इसीलिए अल्लाह रबीन ने अबालसूल स लिए भी इस्तेमाल किया आप यहाँ गुमराह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते उसका तर्जमा गुमराह नहीं कर सकते फहदा आपको हिदायत की राह से महरूम पाया तो अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई की आपको नहीं मालूम था क्या सही क्या गलत जिसे अल्लाह ने फरमाया विकाओना ए नबी ऐसे ही हमने आपके लिए अपनी तरफ से अपने हुक्म से एक रूह नाजिल की है आपकी तरफ वही की है क्योंकि कुरान रूह की तरह है जो इंसान जब उसके दिल में आ जाता है तो हयात उसके दिल को मिलती है माकुन तदरी मल किताब वल ईमान माकुन तदरी मल किताब वल ईमान आपको नहीं मालूम था कि किताब क्या होती है ईमान क्या होता है आपको नहीं मालूम था वला किन नूरन लेकिन हमने इस वही को आपके लिए एक नूर करार दिया एक नूर बनाया बिही मन इबादीना और हम इस कुरान के जरिए से इस वही के जरिए से अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं उसकी रहनुमाई करते हैं उसको हिदायत देते हैं वह इन नस्तम ए रसूल आप आप सिरात मस्तकीम ही की तरफ लोगों की रहनुमाई करते हो आप इतमान रखो आपको लोग गुमराह कर रहे हैं परेशान ना हो आप दिल छोटा ना करें आप हिदायत की तरफ ही लोगों की रहनुमाई कर रहे हो सिरा मुस्तकीम की तरफ ही राह दिखाते हो तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या गिरफरमा आपको नहीं मालूम था तो ये जो लामी है इसको अल्लाह ने तब से ताबीर किया है तो न जानना भी एक एतबार से राह से गुम होना नहीं जानना राह नहीं मालूम तो इस तरह की हालत भी यहाँ पे जिक्र की जा सकती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बराबर आजिब रदी अल्लाह कहते हैं आरई तो नबी सदी معنى التراب मैंने अल्लाह के वसल्लम को खुद देखा है योम खंदक के दिन खंदक की जंग में मैंने देखा कि आप हमारे साथ मिलके मिट्टी मुंतकिल करते थे मिट्टी उठा के डालते थे वह यकूल वकुल्लाईना अल्लाह की कसम अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत न देता तो हमें हिदायत नहीं मिलती अगर अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता तो हम हिदायत नहीं पाते वाला ना हम नमा हम ना हम रोज़े रखते नमाज़ पढ़ते हैं हमको क्या मालूम होता रोज़ा किसको बोलते हैं हमको क्या मालूम होता नमाज कैसे पढ़ते हैं तो अगर अल्लाह हमको हिदायत नहीं देता तो हम हिदायत नहीं पाते, तो तो पाते अल्लाह की कसम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ये ये कलिमात कह रहे थी रज के अशार जो है आप पढ़ रहे थे इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है तो इससे एक बात ये मालूम हुई कि हिदायत अल्लाह देता है बंदे को चाहिए कि अल्लाह से हिदायत मांगे इसीलिए क्या 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 कहते हैं हम लोग आदमी कहेगा इस्लाम पे तो आ गया ना अभी हिदायत हाँ तो जैसे सांस का मोहताज है उससे ज्यादा हिदायत का मोहताज है अगर अल्लाह की रहनुमाई मुसलसल तुझको ना मिले तोफीक तुझको ना मिले तो हर दिन तेरे सामने गुमराही के रास्ते आ रहे हैं हो सकता है पाव फिसल के उस तुझे चला जाए तो आदमी गुमराह हो सकता है सिरा, रात मुस्तकीम पर जमे रहना और हर कदम सही रास्ते पर डालना इसके लिए जरूरी है कि इंसान अल्लाह से हिदायत मांगता है तो यहाँ पर यह बात हदीस से मिलती है कि आदमी अल्लाह से हिदायत मांगे अल्लाह हिदायत देता है मांगने वाले को देता है इससे आगे क्या है या इबादी इल्ला मन मेरे बंदो तुम सब भूखे सब हो शिवा उसके जिसको मैं खिलाऊ खाना मांगो मैं खिलाऊंगा मालूम कि इंसान ये ना समझे मेरा बिजनेस है मेरी दुकान है मेरे खेत है मेरे बागात है सब है मेरे पास ये भी मांगना सामने खाना है वो भी मांगना अल्लाह से एक इंसान हमेशा अपने आप को इस बात का मोहताज समझे अल्लाह नहीं खिलाएगा तो मैं नहीं खा सकता बाजू का सामने प्लेट रखी होती हार्ट अटैक आया गया सामने का खाना चाह रहा था बड़ी चाहत से बनवाया था उसके लिए मर गया नहीं खा सका अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर नहीं किया था अल्लाह ने मुकदर नहीं किया था मरते, आदमी खाते खाते मर जाता है फंस गया हलक में मर गया मुंह में से निकालते हैं नहीं था तकदीर में तुम उससे खाना मांगो मैं तुमको खाना दूंगा आदमी चाहे कितना भी कमाने वाला क्यों ना हो अपने आप को हमेशा रिस्क के मामले में अल्लाह का मोहताज समझे इब्राहिम ने कहा जहां देखिए पिछले इसमें हिदायत आई हिदायत के साथ जिसम की बका के लिए खाना अल्लाह तला ने इब्राहिम का कौल जिक्र किया कहा

खाना भी क्या इसको भी बड़ी नेमत मानना क्या मतलब छोटी चीज है ना छोटी चीज है मर जाएगा नहीं मिलेगा खाना तो जैसे इंसान के कल्ब की बका के लिए हयात के लिए हिदायत है वैसे इंसान के जिसम की बका के लिए ताम शराब है खाना पीना है दोनों चीजें अल्लाह ने अता की लेकिन मुकदम किसको रखा ये भी गौर कीजिए हिदायत को खाने पीने पर पहले मुकदम रखा क्यों इसलिए कि ये तेरे लिए ज्यादा जरूरी है खाने पीने से हिदायत खाने पीने से ज्यादा जरूरी है ये भी यहाँ पर सीखने की चीज है तो यह सूर्य बात इब्राहिम की है अल्लाह फरमाता है आयत कितने जानदार जमीन पर है वक़ाई मिंदा बतिन ला तहमल कितने जानदार ऐसे हैं जमीन पर जीते हैं बसते हैं जो अपना रिस्क अपने साथ नहीं लेकर चलते हैं ला उनके पास उनका रिस्क संभाल के रखा हुआ नहीं होता है ना ले के साथ चलते हैं अल्लाह इन तमाम मखलूक को अल्लाह रिस्क देता है वह तुमको भी अल्लाह देता है उनको भी देता है तुमको भी देता है हाथी कितना खाता लेकिन अल्लाह ताला जंगल में देता उसको आज मिसाल दी जाती भाई कोई हाथी फ्री में भी दे तो मत लो क्यों इसलिए कि वो फ्री में आ रहा है लेकिन उसका खिलाना चाह रहा कितना ज्यादा खर्चा होगा उसमें मुसीबत में पड़ जाएगा और रखने की जगह का किराया अलग लेकिन अल्लाह हाथी तील मछली से लेके समंदर में कितनी बड़ी बड़ी मखलूकत है जमीन पे कितनी मखलूकत है सबको पाल रहा और कभी कम नहीं होता है ये तो इंसान है जो रोक के रखता है वरना अल्लाह की तरफ से कभी कमी नहीं होती है तो ये अल्लाह ताला हाँ अल्लाह जिसको चाहे कम करता है सजा के तौर पर या इम्तहान के तौर पर ये होता है लेकिन दुनिया में कम नहीं है अल्लाह ने बकदर हाजत सब यहाँ पर डाल रखा है तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बतलाया कि सारी मखलूक को अल्लाह रिस्क देता है जैसे अल्लाह ने फरमायादी ला अल्लाह के सिवा जिनको जिनकी तुम इबादत करते हो तुम्हारे रिस्क का इख्तियार नहीं रखते वो तुम्हारे रिस्क के मालिक नहीं है बुतों को, को, जाके रिस्क के लिए तुम पुकार रहे हो उनसे उम्मीदें बांध रहे हो वो तुम्हारे रिस्क के मालिक नहीं है रिस्क। तुम ताला से अपना रिस्क मांगो। और उसकी इबादत करो उसी की इबादत करो व शुक्र और उसका शुक्र अदा करते रहो अल्लाह से रिस्क मांगो उसी की बंदगी अख्तियार करो और उसका शुक्र अदा करो अलही तुर जाऊन याद रखो एक दिन पलट के तुमको उसी के पास जाना है क्या कहा फब तव इंद अल्लाह रिस्क अपना रिस्क अल्लाह से तलब करो दरगाह पे जाके नाड़े बांधना घर में तस्वीरें बाबाओं की लटकाना अली वो लगाना ये तरीका रिस्क का नहीं है रिज का तरीका फब तव इंद अल्लाह रिज रिस्क अल्लाह से तलब करो बंदा अल्लाह से रिस्क मांगे तो ये सूर्य कबूत की आयत नंबर सत्रह है फिर फरमाया हरीश का टुकड़ा या इबादी आरिन इल्ला मन का सौतु ऐ मेरे बंदो तुम सब के सब लिबास से आरी हो नहीं कपड़े कैसा पैदा होता है इंसान सूट बूट में बच्चा पैदा होता कैसा पैदा होता है नंगा बरहना कपड़े नहीं माल फौरन सीने से लगा इसको साफ करके डॉक्टर देते लो तुम्हारा बच्चा कपड़ा पहले लेके जाना पड़ता लपेट के उसको देते हैं नरम कपड़े के अंदर लो बरहना पैदा होता है घबराया हुआ सहमा हुआ भूखा अपने सीने से उसको लगाती है कोई लिबास नहीं एकदम गंदा कैसा बच्चा पैदा होता है। साफ करते है उसको उसको कपड़े में लपेटते हैं तुम में से सब के सब लिबास से महरूम हो और सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं तो तुम उससे लिबास मांगो आखिरत का भी लिबास आदमी कैसा पैदा होफातन उरातन गुरला नंगे पांव नंगे बदन और बगैर खतना की ऐसे क़ियामत के दिन उठाए जाएंगे बरहना होंगे फिर अल्लाह ताला जिसको लिबास देगा इज्जत वाला उसको मिलेगा और जिसको चाहेगा फिर तारकोल का और जिसको चाहेगा सारे गंदक का लिबास अल्लाह पहनाएगा इज्जत वाला वालात वाला तो ये सिवाय उसकी जिसे मैं पहनाऊं पहनाऊसे लिबास मांगो दुनिया का भी आखिरत का भी मैं तुम्हें पहनाऊंगा अल्लाह ने फरमाया बनी आदम कदम लिबासन रीशा सोरे आरा फायत नंबर छब्बीस कहा ए बनी आदम हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया तुमको लिबास दिया युवा कुम जो तुम्हारी छुपाने की जगहों को छुपाता है कितना शर्मिंदा होगा अगर आदमी के पास लिबास ना और बाजारों में चलना पड़े उसको कितना शर्मिंदा होगा अगर लिबास ही ना उसके पास युवा सऊआती कुम तुम्हारी छुपाने की जगहों को छुपाता है वो रिशा और इतना ही नहीं कि बस छुपाता है जीनत भी तुम्हारे लिए है वो रिशा ये लिबास तुम्हारे लिए जीनत है शादी दिन दोला के दिन दोल्हा बन के बैठता है दूसरे की शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता है ईद के दिन अच्छा ताजमोल इख्तियार करता है और अच्छी बात है तो ये तुम्हारे लिए न सिर्फ ये फित्र है तुम्हारे लिए जीनत भी है अल्लाह ने तुमको लिबास दिया है तुम्हारी इज्जत है ये और ये यानी ये लिबास अल्लाह से मांगो जैसे अल्लाह के नबी सल्लाम की दुआओं में से एक दुआ है इसमें से हदीस में से हर टुकड़ा ऐसा है जो खुद एक बाब है लेकिन हम जल्दी जल्दी इन टुकड़ों को समझने की कोशिश करें ताकि बातें हमारी मुकम्मल और बहुत ज्यादा तवील सिलसिला ना हो जाए अल्लाह के नबी वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है अल्लाह मस्तुर व आमिन अरवती अल्लाह मेरी छुपाने की जगहों को छुपा दे या एला मेरे ऊपर सित्र का पर्दा डाल दे अल्लाह वह आमिन और अल्लाह मेरे खौफ से मुझको अमन दे दे मुझको ऐसी चीजें जो इंसान को खौफ जदा करें अल्लाह मुझसे उसको उस, मुझको उस उन चीजों से अमन दे वह अमिन रवाती इमाम तबरानी तवरानी कबीर में इसको रिवायत किया और यह हदीस हसन दर्जे की है शेख अलबानी ने इसको सैल जा सगी में जिक्र किया है एक हजार दो सौ बासठ तो अल्लाह मस्तुर औरत ही और छुपाने की जगह को कहते हैं अल्लाह छुपा दे इंसान के न सिर्फ जिसम बल्कि उसके अयूब भी तो अल्लाह छुपाता है पर्दा डाल रखा है अल्लाह ताला ने कितने अयूब हमारे अंदर हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक से उनको छुपाए रखता है हमारी इज्जत बचाए रखता है तो अल्लाह ताला से तीर है बंदों के अयूब को उनको छुपाता है और बंदे के जिसम को भी छुपाने के लिए उसने लिबास दे रखा है कहा तुम मांगो बल्कि जन्नत का लिबास ولباسهم فيها حرير جنت میں ان کا لباس ہوگا ریشم والا وہ بہترین لباس پہنیں گے وہ بھی اللہ سے مانگو وہ بھی اللہ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو خطا کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو وانا اغفر الذنوب جميعا اور میں मैं वो हूं जो सारे गुनाहों को माफ कर सकता है बल्कि करता है फर्ज ती तो तुम मुझसे ही मफफरत मांगो मुझसे मकफरत की दुआ करो फिर लकुम वादा है कि मैं तुम्हारी मफफरत करूंगा इसमें इंसान के बारे में बताया तुम खताकार हो अल्लाह माफ करने वाला है भागो माफी भागो मत माफी मांगो और अपने आप को पाक मत समझो नहीं करता मैं गलती कुछ भी करता तू करता मानता नहीं तू तो गलती मान अल्लाह के आगे इतराफ कर अपनी तकसी का इतराफ कर और अल्लाह से उम्मीद रख मायूस मत हो अल्लाह से माफी मांग कर, भाग मत अल्लाह से घमंड मत कर अल्लाह के मुकाबले में पाक मत समझ अपने आप को फला तो माफी मांग अल्लाह से अगफिर मैं जरूर तेरी मफफिरत करूंगा तुम सबकी मफफरत करूंगा यहाँ पर मकफरत का जिक्र है अल्लाह के नबीम फरमाते हैं अपना हाथ रात में फैलाता हाँ है, हाँ है ताकि दिन का गुनागार तोबा कर ले वा या यदहु नहार लियतू बसी उल और दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार दिन में तोबा कर ले लेमसों में मगरबीहा यहां तक के सूरज गुरूब होने की जगह से निकले सूरज जहाँ गुरूब होता है वहीं से वापस से अल्लाह सूरज तुरु करेगा क्यामत के दिन अल्लाह तला तो ये यानी क्यामत का दिन आ जाए तो रात का गुनाहगार दिन में तोबा कर ले यानी बहुत सारे गुनाह ऐसे जैसे रात दिन गुनाह करते हो बास तो वो लोग हैं जो रात में भी करते दिन में भी करते बाज वो लोग हैं जो दिन में नेक हैं लेकिन रात में गुनाह करते हैं या जो मौका देख कर रात में गुनाह करते हैं चाहे वो जिनाकारी हो चोरी हो बाज लोग दिन में गुनाह करते हैं रात में सो जाते हैं तिजारत करते हैं झूठ बोलते हैं धोखा देते हैं चोरी करते हैं तो रात के गुनाहगार भी हैं दिन के भी हैं दोनों हालत में गुनाह गुना करते हैं तो अल्लाह ताला रात में भी अपना हाथ फैलाता है और दिन में भी ताकि बंदा किसी ना किसी हाल में दिन में या रात में अल्लाह से तोबा करें ऐसा ना हो कि रात में गुनाह किया और नहीं अपना है ताकि बंदा तौबा किसके लिए है उसको क्या जरूरत है अल्लाह को ये अल्लाह की रहमत है इसलिए अल्लाह ताला ऐसा करता है जो हदीस मैंने बयान की मुस्लिम की है क्यों ऐसा करता है अल्लाह अल्लाह फरमाता है क्यों ये अल्लाह ताला की तरफ नहीं पलटते हैं क्यों ये रजू नहीं करते हैं क्यों ये वापस गुनाहों का रास्ता छोड़ के अल्लाह की तरफ लौट नहीं आते क्यों ये तौबा नहीं करते क्यों ये अल्लाह से मकफरत की दुआ नहीं करते क्यों ये अल्लाह से इस्तिगफार नहीं करते क्यों नहीं क्यों ऐसा नहीं करते हैं अल्लाह रहीम अल्लाह गफूर रहीम है बड़ा मकफरत करने वाला रहम करने वाला है जब कोई गुनाह वाला नहीं था तब भी अल्लाह गफूर था जब कोई मखलूक रहम के लिए नहीं थी तब भी अल्लाह रही और अल्लाह की रहमत से बढ़ के किसी की रहमत नहीं और अल्लाह से बेहतर माफ करने वाला मफफरत करने वाला कोई नहीं तो क्यों तोबा नहीं करते इस्तेफ नहीं करते है? क्यों आपस पलट के नहीं आते सूर्यअल की आयत नंबर चौहत्तर है सेवन इसमें अल्लाह तला ने बताया कि अल्लाह तंदों की मकफिरत करता है उनकी तोबा को कबूल करता है अल्लाह ने फरमाया

बहुत पाप किए तुमने लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना क्यों इन अल्लाह या फिर दनूबा जमी क्योंकि अल्लाह वो है जो चाहे तो सारे गुनाहों की मफफरत कर देता है इन्हफ़ो तो वो बड़ा मफफरत करने वाला रहम करने वाला है तो ये जो हिस्सा है इसमें ये मालूम हुआ चार चीजें बयान की हिदायत अल्लाह देता है खिलाता पिलाता अल्लाह है लिबास देने वाला अल्लाह इज्जत बचाने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही है जो गुनाहों की मफरत कर सकता है ये चार चीजें तुम तो मुझसे मांगो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें ये दूंगा तो बंदे को चाहिए कि अपनी हाजात में अल्लाह तला की तरफ मुतवजह हो मैं समझता हूँ अगला जो हिस्सा है इन हम अगले दरस में मुकम्मल करेंगे और ये आखिर की कुछ बातें रह गई इनशाला उसको हम अगले दरस में मुकम्मल करके फिर हदी हम देखेंगे बाज हदी बहुत छोटी हैं जिनमें ज्यादा बातें नहीं हैं आ उनको इख्तिसार से हम देखेंगे ये हदीसें का बाज ऐसी हैं जो बहुत तवील हैं ज्यादा मवाद है इंशाल्लाह उसके लिए हो सकता है एक दर्स में मुकम्मल ना हो सके अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए अकुलु हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली